सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आज मैं आप लोग के साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ जो कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का है। ओके, सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और डोंट फॉरगेट टू शेयर। चलो हम चलते हैं अभी अपने इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों, जो हम लोग का आज का लेक्चर है, जो सेशन है, वो उसके ऊपर बेस्ड है कि सर ज्योमेट्री में 90% कैसे लाया जाए। अभी 3-4 पेपर बोर्ड्स का हो चुका है, लेकिन सर थोड़ा क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा मन में डाउट है सर कि कैसा गया पेपर कैसा नहीं। सर अभी ज्योमेट्री कुछ तो करो, बहुत सारे का कमेंट्स ऐसे आ रहा था बच्चे लोग, इसीलिए 90% कैसे लाया जाए वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी, वो सब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ बच्चे लोग, और वो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज आप लोग को देने वाला हूँ। बच्चों मेरे को कुछ एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यही बोर्ड्स में करके जाओ, यही क्वेश्चंस बोर्ड्स में करके जाओ जो रिड्यूस सिलेबस के ऊपर बच्चे लोग बेस्ड है। रिड्यूस सिलेबस के ऊपर बच्चे लोग बेस्ड है, मतलब कि रिड्यूस क्वेश्चन को छोड़ के जो मैं IMP दूंगा वही तुम लोग करो बच्चे लोग, वही तुम लोग करो, वही करोगे तो 90% लाने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। 2-4 हॉट्स के संग देखूंगा तो मैं उसकी भी वीडियो डालूंगा, लेकिन पहले तुम ये करो, ये करोगे तो तुमको 85 या 90% आ ही जाएगा बच्चों लोग, आ ही जाएगा, कम से कम 85 और 90 बोल रहा हूँ। तो अगर थोड़ा और अच्छे से किए तो तुम ही समझो। सो बच्चों लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब लोग अपने हाथ में टेक्स्ट बुक और एक अच्छी सी पेंसिल लेके बैठो। मैं जैसे जैसे करवाऊंगा तुम भी वैसे वैसे करना, इससे क्या टाइम भी बचेगा और तुम्हारा टिक मार्किंग भी हो जाएगा। बच्चे लोग अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 10th, और ये अपना स्लोगन है क्लासेस का, फ्लाइंग विद द विंग्स ऑफ सक्सेस। सो बच्चे लोग अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है सिमिलैरिटीज कहाँ हो। हाँ, ये क्या है सिमिलैरिटीज। ओके, यहाँ से पहले तो एक मिनट बच्चे लोग, ये ना ये सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटीज में ये पहले ये कर लो, पटाख से कर लो ये वाला। ये ना ये वाला फॉर्मूला देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला कर लो, ये आ सकता है एग्जाम में। अभी बढ़ते हैं आगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इसमें से नहीं लग रहा है कुछ इतना। हाँ, ये ये आ सकता है, ये भी आ सकता है। एक मिनट बच्चे लोग। सो बच्चे लोग, ये है पेज नंबर, रुको देखने दो बच्चे लोग, एक मिनट। पेज नंबर थ्री में ना ये एक्टिविटी कर लेना बच्चे लोग, ये इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे लोग, रुको। ये वाला ना पेज नंबर 3 का ये कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है बच्चे लोग, ये आ सकता है वोट्स में। अभी बढ़ते हैं आगे, ये हो गया, चलो ये क्या है, हाँ यहाँ से 1.2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चे लोग, ये देखो यहाँ से 1.2 स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हो 1.2। ये थोड़ा ये ऊपर देख लेना, ये जो स्निपेट दिया है ना अपने को, ये थोड़ा ना ऊपर देख लेना, ये देखो ये स्निपेट दे रहा हूँ, तो देखो ये लड़का है ना, लड़का हाथ दिखा रहा है, ये थोड़ा स्निपेट देख लेना, ऊपर पढ़ लेना। अभी आते हैं हम लोग IMP की तरफ आते हैं, IMP, और इसमें से ये वाला भी द बेस इज 9 cm, ये आ सकता है बच्चे लोग, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ओके, अभी चलते हैं आगे चलो सर जी। पीछे हम हैं, आप तो चलो, ठीक है। अभी हम लोग इसे अभी ये करते, इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, ये पांचवा वाला कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पांचवा वाला, और यहाँ से ये कर लेना, और
यहाँ से ये कर लेना, ये वाला कर लेना, बस यहाँ से बस इतना कर लो। ओके अभी आगे चलते हैं। ये इसमें से कुछ रिड्यूस देख लेता हूँ। ये कर लो बच्चे लो, ये आ सकता है। ये ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चे से कर देता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो बॉक्स लिया, ये कर लेना इम्पोर्टेंट है। ओके अभी बढ़ते हैं हम आगे। थोड़ा क्या है बच्चे लोग, ये रिड्यूस्ड है, देखो ये बच्चे लोग ये पूरा क्या है, ये रिड्यूस्ड है। आगे बढ़ो, छुप 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 छुप, चल चल चल, चलो 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 मेरे सर जी, ओ मेरे सर जी, यहाँ बहुत रिड्यूस क्वेश्चन है। ओके अभी इसमें से ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आता ही है, इसमें से ना तुमको एक प्रूफ आ सकता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में एक प्रूफ और एक क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर इन दोनों में से मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लग रहा है। रुको एक मिनट रुको, दिखने दो सर ए बी पी क्यू सी, दोनों सेम है, सिर्फ ट्राइंगल का बॉडी अलग है। तो दोनों में से कोई तुम लोग एक कर लो। मैं तो बोलूँगा कि कॉन्वर्स मत करो, ये फर्स्ट वाला कर लो, फर्स्ट वाला है ना कर लो, आग बंद करके कर लो, फर्स्ट वाला करो मैं बोलूँगा तो, फर्स्ट वाला करो, ये आ सकता है। ओके अभी आगे चलते हैं। चलो सर जी कितने अच्छे हैं, हमको IMP देते हैं ना बच्चे लोग। चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलो सर जी आगे चलो। ये क्या पूरा रिड्यूस्ड है, अरे बाप रे बाप। ये देखो मैं बोला था ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, ये PQ/NR इज इक्वल टू PM/MQ, ये ऐसा तुम लोग को ये पढ़ना है। तो ये क्या है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है बच्चे लोग, ये इम्पोर्टेंट है। ओके अभी हम लोग आगे चलते हैं ठीक है। आगे। अरे भाई साहब बच्चे लोग भी तो चांदी हो रही लिए पूरा है। ये कर लो इधर से ना, ये कर लो ये ना, ये कर लो टेंथ वाला। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड है। ओके एक्टिविटी में पूछ सकता है। फिर चलो आगे देखते हैं आगे। कुछ रिड्यूस नहीं है, ये भी नहीं रिड्यूस, ये भी रिड्यूस, ये कुछ भी नहीं। हाँ इसमें से कुछ रिड्यूस, अरे भैया कुछ भी रिड्यूस नहीं है पूरा अभी क्या। चलो यहाँ से ये कर लो ये आँख बंद करके कर लो ये। अरे रुक रे, 1.3 का ये गया, ये कर लो। चलो ट्रायंगल को भी ले लेते हैं, ये कर लो और नीचे आर द ट्रायंगल फाइव फिगर। ये टेस्ट से प्रूव करना है बच्चे लोग। ये दो मिनट का सम है एक एक लाइन का। PR/LN करने का इज इक्वल टू PQ/LM और QR/MN हो गया। देख लो ये भी देख लो ठीक है। और इसमें से ये कर लो बस ठीक है। ये कर लो बस, यहाँ से ये कर लो। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे तो थोड़ा
आगे फाई ये नहीं, ये फाइंड है ना बहुत आता है, बोर्ड एग्जाम है ना बच्चे लोग जितना प्रूफ नहीं आएगा ना उतना है ना फाइंड वाइंड आता है फाइंड करने को। बताओ ये कर लो और इसमें से ना नीचे का तीन इम्पोर्टेंट लग रहा है बच्चे लोग, तीन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ठीक है बच्चे लोग। अब बढ़ते हैं आगे, तो इधर से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में रिड्यूस्ड है क्या देख लेने दो, कुछ नहीं। कौन सा थ्योरम है रुको बच्चे लोग दिखाता हूँ, थ्योरम भी दे देता हूँ ना इम्पोर्टेंट तो क्या तुम लोग कर लोगे। थ्योरम नहीं ये नहीं आता है, कुछ नहीं आ रहा है, सब देखते रहो क्या इम्पोर्टेंट, कुछ आएगा ही नहीं इसमें से तो मैं क्यों दूँ अपने बच्चे लोग का टाइम, इम्पोर्टेंट टाइम क्यों वेस्ट करूँ। हाँ इसमें से तो बच्चे लोग आएगा ही, लिख के ले लो, इसमें से अगर एक भी नहीं आया ना तो मेरा ना चुपचाप से आप ना नाम बदल सकते हो, मेरा मेरा नाम है ना तुम वैसे ही बदल देना, ये थोड़ा दुआरे तो ये कर लो ये कर लो, चलो नाम बदल देना इसमें से एक आएगा तो नीचे चले। चल 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 मेरे हाथी ओके तो चलो ये इसमें से ये कर लो, ज्योमेट्री सब्जेक्ट कितना अच्छा है ठीक है। अभी नीचे देखते रुको नीचे नीचे कुछ, हाँ वही चलो अभी आगे बढ़ते हैं ओके। आगे कुछ रिड्यूस नहीं है बच्चे लोग इसमें से ना, ये देखो ये एम सी क्यूज है, ये बच्चे लोग ये ना एम सी क्यूज है, एम सी क्यूज है एक तो रहेगा, देखो क्या दिया है ए बी अपॉन क्यू आर, तो देखो ए बी सी अपॉन ए बी सी अपॉन क्यू पी आर क्यू पी, देखो ए बी सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए सी आर पी होगा, ए बी सी अपॉन सी आर पी हो ना तो बी ए सी, क्या क्या है बी सी ए, बी सी ए अपॉन पी क्यू आर नहीं होगा, सी बी ए सी बी ए अपॉन पी क्यू आर नहीं होगा, पी क्यू आर अपॉन सी ए बी ए सेकेंड वाला होगा, इसमें सेकेंड वाला है। ऐसे ही सब ले इम्पोर्टेंट मालूम करें एम सी क्यू से बच्चे लोग, रट के भी जाओगे तो हो जाएगा कर लेना ठीक है। फिर इसमें से ये कर लो, ठीक है फिर इसमें से सब एमसीक्यू है बच्चे लोग, सब एमसीक्यू है पूरा एमसीक्यू ही है, ये कर लो एम सी क्यू देना बच्चे लोग, एम सी क्यू अपन छोड़ के नहीं जा सकते, कौन सा भी जा सकता है, इसमें से भी ये कर लो एम सी क्यू देना बच्चे लोग, एम सी क्यू में रिक्स नहीं लेने का भी ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, बच्चे लोग अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेने दो एक मिनट, ये सब रिड्यूस्ड है हाँ नहीं ये रिड्यूस नहीं है बच्चे लोग, ये रिड्यूस नहीं है, ये देखो ये भी क्या है एम सी क्यूज है बच्चे लोग, ये एम सी क्यूज तो करने का है बच्चे लोग, नहीं देखो फाइंड ए बी ये ए बी सी डी देखो ये वाला भी पूरा कर लो, ये थ्री फाइंड करना है इजी है, तुमको दिया है बी डी और ये करने का है सिर्फ उसके ऊपर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मा लगा तो आई थिंक सो आ जाएगा ये वाला, ये ऐसा ही है ओके। अभी हम लोग चलते हैं नीचे 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 भी देख लेते कुछ रहेगा तो आए भी, ये भी है ना नीचे फाइंड वाला, तो आप लोग का ऊपर का हो जाएगा ना तो नीचे का भी क्या हो जाएगा,
ये एनआर वाला कर लो, ये एनआर वाला। ठीक है, इतना ही करो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आओ बच्चों तुम्हें सिखाए अल्जोमेट्री सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बड़ा है कंफ्यूजन, कंफ्यूजिंग ये सब्जेक्ट। राजन सर है तो क्या डर है, ये इसमें से ना बच्चे लोग ये कर लो, ठीक है, बस यही करना, बस बच्चे लोग सिर्फ यही करो। अभी आगे बढ़ते हैं, ये रिड्यूस्ड है बच्चे लोग, ये पूरा रिड्यूस्ड है, तो इसमें दिमाग फोड़ी करने का नहीं, ये वाला कर लो, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड है। आओ आओ, ये देख पकड़ा पकड़ा, ये ट्राइंगल को पकड़ा मैंने। देखो ये वाला, फिर ये वाला क्या है, नहीं इतना ही आता लग रहा ही नहीं है, थोड़ा भी इम्पोर्टेंट लगे तभी ना पकड़े इसको। तो चलो आगे, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। पाइथागोरस थियरम, ये बाबा है तो बाबा महान ही इंसान था जो पाइथागोरस थियरम निकाला था। चलो देखते हैं, इसकी भी थोड़ी लेते हैं अच्छे से, इतना कर लो बच्चे लोग, पूरा हो जाएगा, पूरा आपका हो जाएगा, इतना सिर्फ कर लो। ओके बच्चे लोग, ये है अभी अपना पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम को थोड़ा नज़र डाल दो, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है। देखो ये ना, ये पाइथागोरस थियरम का ये है फॉर्मूला है, देख लो पाइथागोरस थियरम का ये फॉर्मूला थोड़ा देख लेना। अरे रे, कैमरा हिल रहा है। ये देखो पाइथागोरस थियरम का फॉर्मूला है, ये देख लो। और कुछ रुको रुको बच्चे लोग, ये क्या हो रहा है, और ये ट्रिपलेट निकालने को अभी आगे है, मैं बताता हूँ, ठीक है, देख लेता हूँ है क्या ट्रिपलेट हम लोग को। चलो अभी हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं बिना कोई शक के, आगे आगे बढ़ते जाओ। 30-60-90 थ्योरम आता है, 30-60-90 थ्योरम आता है, आटा है तो रोटी बनाओ। चलो इसमें से ना ये कर लो, 30-60-90 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे लोग, आएगा ही आएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते ये 45-45-90 थ्योरम, ये भी कर लो बच्चे लोग। किधर रही, किधर चले जाता है ये स्क्वायर, पकड़ने का इसको। 45-45-90 45-45-90 आता है बच्चे लोग ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, पाइथागोरस से क्या है दिखाओ तो थोड़ा जूम करके बाबू मशाय। आई हेट ज्योमेट्री, ऐसा नहीं बोलने का बच्चे लोग, मेरे को बुरा लगता है। ज्योमेट्रिक मेन थ्योरम ये आता है बच्चे लोग, ये तो ले ही लो, ज्योमेट्रिक मेन थ्योरम ये। चल ये सब थ्योरम देख के जाओ एक बार, हो जाएगा, ये आता है बच्चे लोग डायग्राम के साथ, मस्त चेप के आने का, मस्त चेप के आने का। फिर बस फिर आगे बढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अरे पाइथागोरस थ्योरम बच्चे लोग तुम लोग बचपन से सीखते आ रहे हो, आठवीं से सीखते आ रहे हो क्या। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, बोलते जाओ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। अगर ये अभी पढ़ लिया तो अभी तुम्हारा थ्योरम हो गया रेडी, तुम्हारा ये थ्योरम है ना रेडी होगा। देखो वही है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, ये देखो लास्ट में लिखा है
लास्ट है, तो फिर ट्रायंगल बना दो, बीच में सब बच्चन ठोका है, बच्चन ठोको फटाफट, बच्चन ठोकने का ना, बच्चन बच्चन ही ठोको, अरे पूरा पढ़ लो पाइथागोरस थ्योरम, बस आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ बच्चे लोग थोड़ा, बच्चे लोग अभी हम देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो इसको जूम करता हूँ थोड़ा, इसमें से कौन सा करोगे वो बता देता हूँ, ठीक है। इसमें से आप ना फर्स्ट वाला कर लो, फर्स्ट वाला कर लिया बच्चों, थोड़ा ब्लर होगा वीडियो, सो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, लेकिन समझ रहा है, सिक्स्थ कर रहा हूँ, फर्स्ट कर रहा हूँ, और मैं बोलते भी जा रहा हूँ तो तुम लोग करते भी जाओ, सिक्स्थ फर्स्ट कर लो और फिफ्थ कर लो, चलो बस करो। और इसमें से ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम ना, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चे लोग, इसमें से ना ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम सेकंड वाले में होता है, तो इसमें से ये कर लो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, सेकंड से है ये पूरा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कर लो, और इसमें भी ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम इंस्टॉल होना होगा तो फिर ये भी कर ही लो। ओके चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। जब राजन सर है साथ तो सर डरने की क्या है बात। इसमें से देखो ये फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले को जूम मारू, जूम जूम जूम, ये कर लो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर वाला आता है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स करोगे स्क्वायर का डायगोनल निकल जाएगा। और आगे नीचे नीचे 3690 थ्योरम का एक आता है ना, वो किधर है, अच्छा ऊपर होगा ना 3690 का सब, फिर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, ये देखो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ये कर लो, ये अपने में बहुत बड़ा सम है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मतलब कि अच्छा सा क्यूट सा सम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वाला सम, तो ये कर लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और आ सकता है क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड है और इसमें भी ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम फाइंड करने का है और तीन वैल्यू ढूंढने का है, ई जी एफ डी और ई एफ, तीनों को ढूंढने का, इसलिए ये आ सकता है, तीनों में से तीनों भी आ सकता है, दो भी आ सकता है ढूंढने को या एक भी आ सकता है कोई भी, तो मैं ये कर लो, अगर ये कर लेता तो हमारा पूरा हो जाता है। ये देखो यही होता है हॉट्स, देखो ये हॉट्स, ये ना ये हॉट्स है, ये हॉट्स है बोलते ना हॉट्स में, पता ना मैं बताते चलूँगा, ये हॉट्स है, ये हॉट्स कर लो। ओके अभी चलते हैं आगे बिना कोई शक के, ये सब प्रोड्यूस्ड है बच्चे लोग, प्रोड्यूस्ड है बच्चे लोग, रिड्यूस 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 रिड्यूस, सब प्रोड्यूस है, सिर्फ प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट में से सिर्फ एमसीक्यूज करने का। हाँ बच्चे लोग हर एक प्रॉब्लम सेट से ना सिर्फ तुम एमसीक्यूज करो, और प्रॉब्लम सेट्स में देखो अगर तुम प्रॉब्लम सेट करने जाओगे तो अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस सेट किया है सब तो तुमको प्रॉब्लम सेट तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन उसमें से एमसीक्यूज कर लो, हर एक एमसीक्यूज कर लो बच्चे लोग, वो मैं मार्क नहीं करवा रही लेकिन तुमको हर एक एमसीक्यूज करना ही है। चलो अभी आ जाता है अपना सर्कल, क्या आता है सर्कल, सर्कल में से बच्चे लोग, सो बच्चे लोग इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें से, डायरेक्ट आते 1.3। हाँ सो बच्चे लोग ये आ गए हम लोग 1.3 की तरफ, सो इसमें से ये कर लो बच्चे लोग, ये वाला है ना बच्चे लोग कर ही लो, रुको मार्क करवा देता हूँ, ये वाला ये कर लो, इसमें से टेंजेंट फाइंड द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट कर लो बच्चे लोग, कर लो, सर्कल चैप्टर है रिक्स नहीं लेने का, सर्कल नहीं किया ना तो एग्जाम में सर्कल आता है। और इसमें से मत करो ये, आइए जस्टिफिकेशन वाला कर लो, ये जस्टिफिकेशन है ना वो कर लो, ठीक है अभी हम बढ़ते हैं आगे।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, एक मिनट बच्चे लोग, अब हम बढ़ते हैं आगे 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 आगे, कुछ इम्पोर्टेंट है, रुको। चलो अभी आते हैं हम 1.2 की तरफ। ये क्या है बच्चे लोग, 1.2 नहीं 3.2, सॉरी 3.2 में जो दूंगा और वही करके जाओ, इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ बच्चे लोग, कुछ तो मुझे है, कुछ तो मालूम है, इसलिए मैं कुछ दे रहा हूँ इधर, इम्पोर्टेंट ये करके जाओ। और फाइंड और इन सर्कल और सर्कल ना, ये करके जाओ, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कर लो इंटरनली, और अगर आप सेकंड थर्ड वाला कर दो तो आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हो जाता है। इसमें से फिफ्थ वाला कर लो बच्चे लोग, फिफ्थ वाला ठीक है, फिफ्थ वाला बस इसमें इतना ही। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे, कुछ इम्पोर्टेंट दिख रहा है क्या, कौन सा हॉफार के सब नहीं, 3.3 पे चलो बच्चे लोग, 3.3 कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बच्चे लोग, 3.3 ये कर लो। अरे भैया ये लो, ये कर लो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसमें से ना रुको देखता हूँ, देखना पड़ता है यार भैया, देखना पड़ता है क्वेश्चन क्या है। ये कर लो ये वाला, ठीक है ये वाला भी कर ही लो। अभी आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, टेंजेंट इंटीरियर एक्सटीरियर, हाँ ये कर लो, ये आ सकता है बच्चे लोग, ये 100% बोल रहा हूँ, ये 100% आ सकता है, ये 100% आ सकता है, क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड भी है और ये थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर को देख लेता है, रिड्यूस तो नहीं है ना, नहीं है बच्चे लोग, ये आ सकता है, ये बच्चे लोग ना ये आ सकता है, ये आ सकता है ठीक है, ये आ सकता है बच्चे लोग, ये 100% आ सकता है, क्योंकि ये एक तरफ से एक्टिविटी बेस्ड और एक ये तरफ से थियरम है, तो ये आने के चांसेस बहुत है, तुमको नहीं लग रहा है क्या, आ सकता है बच्चे लोग। ये ऊपर वाला वही है, नीचे का ही है, फिर ये थियरम ऑफ, ये कर लो, ये प्रॉब्लम सेट 2 ये वाला, ओके बच्चे एक मिनट, नीचे से कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, ये वाला कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है बच्चे लोग, आगे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, हम बढ़ते हैं आगे। ये वाला, इसमें से ले लो बच्चे, अरे बच्चे लोग फटाफट इम्पोर्टेंट तुम टिक करो, ओके फटाफट इसमें से 3.4 में से बच्चे लोग, अगर अच्छा लग रहा है आपको वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंटों को फटाक से बच्चे लोग, 1 लाइक तो बनता है, दिल बनाओ कमेंट्स में ठीक है, ये कर लो। और नीचे चलते हैं, नीचे कुछ मिल जाता है तो, इसमें से ये कुछ नहीं, हाँ ये वाला भी कर लो, कर ले वाला ठीक है, अब आगे चलते हैं।
फटाफट फटाफट आगे करते हैं। बच्चे लोग टाइम लग रहा है, बच्चे लोग सुनो, बच्चे लोग सुनो, टाइम लग रहा है सो टाइम लगने दो बच्चे लोग, क्योंकि अगर टाइम लग रहा है तो जाने दो, क्योंकि मैं इधर आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं इधर आया हूँ आपको कुछ बताने के लिए और ये कर रहा हूँ मैं, इतना बहुत मेहनत लगती है बच्चे लोग, ये सब वीडियो बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगती है। सो ये मेहनत कामयाब कैसे होगी, आपको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नए हो तो, इससे क्या आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और कैसे 90 मारे एग्जाम में वो सब भी जरिया मिलता रहेगा। ओके बच्चे लोग, सो हम आगे चलते हैं, हम अभी आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें से नहीं दिख रहा है कुछ, देखो इधर ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऊपर दिख रहा है कुछ, ऊपर कुछ तो दिखा, अच्छा सा क्या बोला ये, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ साइक्लिक, क्या साइक्लिक बताने का है, डब्ल्यू जेड पी टी, डब्ल्यू जेड पी टी, अच्छा ये साइक्लिक बताने का है ना, और क्या ये पॉइंट, ये इतना नहीं आएगा, ये नहीं, हाँ ये दो कर लो बच्चे लोग, ये दो कर लो, नीचे का दो है ना, ये दो कर लो, ये कर लो और ये कर लो, ठीक है, बस इसमें इतना ही करो। ओके अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, अरे वाओ इधर से तो रिड्यूस्ड है, इधर से तो रिड्यूस्ड है, रिड्यूस कहाँ तक जा रहा है, डायरेक्ट पूरा पे खत्म सब, प्रॉब्लम सेट थ्री खत्म है, खत्म, हाँ प्रॉब्लम सेट थ्री पे आ जाओ डायरेक्ट, प्रॉब्लम सेट थ्री पूरा है, पूरा नहीं है, प्रॉब्लम सेट में मैंने जैसे बोला एमसीक्यूज कर लो, हो गया, ओके एमसीक्यूज करो, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं लेकिन, और एमसीक्यूज करना, और ये डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम सेट से जो वेब भरने का है वो कर लो और एमसीक्यूज कर लो, जो वेब भरने का है वो कर लो और एमसीक्यूज कर लो प्रॉब्लम सेट से, बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, जो वेब भरने का वो कर लो और एमसीक्यूज कर लो। अभी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इधर कंस्ट्रक्शन पे आओ बिना कोई शक, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ गरम गरम साते हैं नहीं, सो इधर से हाँ ये इसमें से ना अब देता हूँ आईएमपी आप लोग को, फर्स्ट वाला कर लो, कभी भी पहला बोलते ना, पहला छोड़ते जाने का ही नहीं, लास्ट वाला कर लो, और इसमें से ना आर एक्स टी इज इक्वल टू कंस्ट्रक्ट पी क्यू आर, ओके ये कर लो, थर्ड वाला कर लो, ओके बच्चे लोग अब बढ़ते हैं आगे, कंस्ट्रक्टर टेंजेंट ये वाला कर लो, कंस्ट्रक्शन में कुछ छोड़ के नहीं जाने का, तुम लोग समझ रहे हो कंस्ट्रक्शन में भी रिड्यूस नहीं दिया है, तो गवर्नमेंट कुछ चाहती है आप लोग से कि कुछ करो आप लोग, इसीलिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाने, तभी भी मैं दे रहा हूँ इसमें से भी आईएमपी दे रहा हूँ, आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूँ ना, आप टेंशन मत लो, ये करके जाओ से ये जो जाओ, यूजिंग सेंटर है ना, विदाउट सेंटर है, रुको रुको विदाउट सेंटर है ना, तो ये कर जाओ ड्रॉ विदाउट सेंटर, यू कैन टेक इट डाउन सेंटर, ये कर जाओ फर्स्ट वाला कर लो, ओके अब बढ़ते हैं आगे, आगे ना आगे में ड्रॉ सर्कल विदाउट सेंटर, इसमें से ये कर लो बच्चे लो, इसमें से ये कर लो और ये कर लो, प्रॉब्लम सेट आ गया,
तो वही मैं बोलना चाहूंगा कि प्रॉब्लम सेट से एमसीक्यूज करो और जो भी वेब भरने का मिलेगा तो करो, अगर नहीं मैं तो मत करो, लेकिन एमसीक्यूज पूरा करके जाना प्रॉब्लम सेट से। बच्चे लोग इसमें से ही आएगा एमसीक्यूज बच्चे लोग। ओके अभी आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ रिड्यूस्ड है क्या? कोऑर्डिनेट देख लेता हूँ। नहीं, ये कौन सा है? कुछ नहीं। इधर, हाँ ये पढ़ लेना। ओके बच्चे लो आगे चलते, आगे चलो। ठीक है, इसमें से ना आप लोग को जो जो बोल रहा हूँ वही वही करके जाओ बच्चे लोग, सिक्स्थ वाला फोर्थ वाला थर्ड वाला सेकंड वाला कर लो। इक्विडिस्टेंस आता है, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा इसमें। थर्ड वाला कर लो वेरीफाई, अगर ये भी कर लो, अगर तीनों सेम आता है तो फिर ये क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर सेम नहीं आता है तो फिर ये क्या है? इट इज़ नॉट अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ ये आओ आओ भैया आओ। अभी इसमें से ना बच्चे लोग इसमें से ये कर लो, रुको बताता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उधर कर लिया, ये पैरेललोग्राम वाला, पैरेललोग्राम वाला कर लो, रोम्बस वाला कर लो, बस करो। ठीक है, डिस्टेंस दिया है, एक्स एक्स फाइंड करना है तो वो तो हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर मैक्स टू माइनस एक्स वन दी होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन दी होल स्क्वायर, इससे हो जाएगा। आगे बढ़ो, पहले आगे बढ़ो ना, सॉरी वो वेब आ गया, देखो यहाँ से। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, याद कर लो, मिड पॉइंट फॉर्मूला ही है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद कर लेना। और ये सेंट्रोइड का इधर फॉर्मूला है, सेंट्रल फॉर्मूला है, इसमें सेंट्रल मिड पॉइंट, ये देखो इधर सेक्शन फार्मूला दिया है अपने को, ले लो ये सेक्शन फार्मूला। ठीक है, आगे चलो, आगे इसमें से कुछ रिड्यूस्ड, चलो रिड्यूस्ड नहीं है इसमें से भी, कुछ रिड्यूस्ड नहीं है बच्चे, देखना पड़ेगा इसमें बहुत ज़्यादा सम से, तो बोलूँगा वही करना, ये कर लो। फिफ्थ वाला ठीक है, सेंट्रोइड का ना, सेंट्रोइड का इसमें से कोई एक कर लेना, मैं बोलूँगा थर्ड वाला कर लो, सेगमेंट से भी इसमें से कोई सेकंड वाला कर लो, इसमें से बच्चे लोग फिर ये कर लो तुम लोग। और रुको क्या हो रहा है? सो बच्चे लोग इसमें से और इम्पोर्टेंट मेरे को लग रहा है ये, एक मिनट ये आगे जाओ, इसमें से और एक इम्पोर्टेंट ले लो, और इसमें से फाइंड रेशो इन विच ये ले लो, थर्ड वाला ले लो और बस करो, बस इतना ही करो। सिक्स्थ वाला ओके बस इतना ही करो। अब बढ़ते हैं हम आगे। हाँ इधर थोड़ा जूम
इधर क्या सेंट्रोइड एबीसीडी। देखो बच्चों लोग, इसमें से स्टार्टिंग का अगर तीन चार सम कर लेते हो तुमको सब आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, सब आ जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा मगजमारी दिमाग थोड़ी इसमें करने का नहीं, कुछ नहीं करने का, डरने का नहीं। बहुत इजी चैप्टर से सब, ये सब स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों लोग, ये करके जाने का है। देखो आठवा कर लो, एक आ जाएगा सब आ जाएगा। सेगमेंट फार्मूला तो उन्होंने पहले किया था, ये सेगमेंट फार्मूला ही है। इलेवेंथ और ट्वेल्थ ये भी सेगमेंट फार्मूला है, और सब सेगमेंट फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। देखो ये सेंट्रॉयड है, ये भी दोनों सेंट्रॉयड है, पीछे किया है आप लोग ने सेंट्रॉयड, तो वही सब फंडा एक ही है। इधर राम बोलते और कंस के युद्ध में कृष्णा बोलते हैं, वही बात बोला इधर, लेकिन एक अरे अवतार तो एक ही है ना विष्णु का, ऐसा होता है बस और कुछ नहीं। सब रिड्यूस्ड है, चलो आगे चलो, अभी देख रहे थे एक बार, सब रिड्यूस्ड है। डायरेक्ट खुल रहा है अपना ट्रिग्नोमेट्री, फिर से इसमें आया प्रॉब्लम सेट, प्रॉब्लम सेट में से एमसीक्यूज और जो डायग्राम बेस्ड है वो कर लेना। इसमें से ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट चैप्टर्स। आई लाइक दिस चैप्टर वेरी मच बिकॉज माय ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट इज वंडरफुल, दैट्स व्हाई। ये ले लो, ये एक कर लो क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड है। साइन थीटा कॉस टेन थीटा, अगर इजी पेपर आता है तो ये आ सकता है। और इसमें से साइन थर्टी कॉस थर्टी, ये वैल्यू कैसे, जीरो टेबल याद रहेगा ना, जीरो हाफ वन अपॉन रूट टू रूट थ्री अपॉन टू वन साइन का, फिर इसका साइन का उल्टा कॉस, कॉस का फिर डिवाइड करने का तो हो जाता है टेन, वही सब करने का है। वो आ गया तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, आपको टेबल आना चाहिए, ये भी कर लो आई एम पी ए। ये भी कर लो आई एम पी ए, आई एम पी दे रहा हूँ, करते जाओ। ये क्या है भैया, कौन सा दिया है, नहीं ये नहीं आता है, कुछ नहीं आएगा इसमें से। डायरेक्ट चलो अपने आगे चलते, चलो आगे चलते चलो। ये देखो ये रिलेशंस, वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये सभी है। ये साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज भी आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये सब आना चाहिए बच्चों लोग आप लोग को। तो हम बढ़ते हैं आगे। ये टेबल देखा, मैं बोला था ना पहले, अरे मैं पूरा रग रग से वाकिफ हूँ ट्रिग्नोमेट्री के टी से भी। तो ये एक टेबल है, देखो वही बोला था मैंने, मैं तुमको यहीं शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या करने का। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये जीरो थर्टी फोर्टी फाइव, देखो फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन तो इधर जीरो लिखने का, फिफ्टीन टू जा थर्टी, फिफ्टीन जा फोर्टी फाइव, फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी, फिफ्टी फाइव सेवेंटी फाइव लिखने का, फिर फिफ्टीन सिक्स जा नाइन्टी लिखा, फिर साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन तक ही लिखो तुम लोग, ये आगे लिखने की कुछ गरज नहीं है। साइन कॉस टेन लिखा, देखो जीरो हाफ वन अपॉन रूट टू रूट थ्री अपॉन टू वन, अभी सब उल्टा, वन का वन रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री अपॉन टू, वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू, वन हाफ और हाफ और ये जीरो जीरो हो गया। फिर ये देखो टेन में, टेन में फिर डिवाइड करने का ऊपर नीचे, जीरो अपॉन वन जीरो होता है, वन अपॉन टू फिर ऐसा डिवाइड किया और लास्ट में लेने का नॉट इवन, अगर ये आएगा तो आप लोग आपको पहले का भी आ जाएगा वेब वाला। ओके तो ये भी कर लो, ये भी आई एम पी है, ठीक है। ये आ गया तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, इसमें से क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री में से देख लेते हैं अभी एक बार नजर डाल लेते हैं अपना। चलो 1.1 की तरफ चलते हैं, इसमें से आई एम पी दे रहा हूँ, वो कर लेना, इम्पोर्टेंट है। बोर्ड्स में बहुत बार पूछा भी गया है, बोर्ड्स में बहुत बार पूछा भी गया है, आई एम पी दे रहा तो ले लेना। ये कर लो नीचे से, इजी इजी है, दोनों इजी है, ये कर लो।
फिर आगे बढ़ते हैं आगे। रैशनलाइज डिनोमिनेटर ये कर लो। पेपर इसी आया तो ये भी कर लो, ठीक है। बस इसमें इतना ही करो, हो जाएगा आपका। फिर आगे सब रिड्यूस्ड है। हाँ, ये प्रॉब्लम सेट में से क्या करोगे, एमसीक्यूज और डायग्राम बेस्ड है तो वो कर लेना बस। सब ये सब मेंशनेशन तो इससे ही उड़ेगा। ये सब रेड्यूस है, सब। वाह रे वाह, क्या रिड्यूस किया है, खुश कर दिया महाराष्ट्र के बच्चे लोग। सो बच्चे लोग, इसी के साथ हम अपना वीडियो यहाँ लेक्चर एंड करते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन से कुछ भी यूजफुल हुआ होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। देखो बच्चे लोग, सिर्फ आप लोग का भला नहीं होना चाहिए बच्चे लोग, सबके बारे में सोचने का। वो जो तुम्हारा दोस्त भी वो भी सोचता है कि कोई उसका मसीहा बन के आए, तो बच्चे लोग आप उनके मसीहा बनो, आप ये वीडियो वहां तक पहुंचाओ बच्चे लोग। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो मैंने बोल चुका है, ये बोलने की बात तो थी नहीं तभी मैंने बोल दिया है, आप कर देना। और देखो बच्चे लोग, इसी जो क्वेश्चंस मैंने आज दिया है वो आप ये सब क्वेश्चंस आप अपने स्कूल्स के प्रीलिम्स में भी पाए होंगे या क्लासेस में जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी पाए होंगे बच्चे लोग। तो बच्चे लोग क्यों नहीं भरोसा कर रहे हो, भरोसा करो बच्चे लोग, इसमें से ही आएगा, इसमें से ही बोर्ड्स में आएगा। हाँ, यही आएगा। और अगर पेपर हार्ड बनता है बाय चांस तो क्या क्वेश्चंस मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, सेम रहेंगे कॉन्सेप्ट, एकदम सेम रहेंगे, स्टेप टू स्टेप यही सेम रहेंगे, सिर्फ नंबर चेंज कर देगा। जैसे कि बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री में भी है, फिर बोलेगा कि डिस्टेंस का कुछ दे दिया और बोलेगा फाइंड डिस्टेंस विद डिस्टेंस फॉर्मूला विद सेंट्रोइड फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है तो क्यों डर रहे हो बच्चे लोग, क्यों डर रहे हो, समझे ना बच्चे लोग। जो दिया मैंने इंपॉर्टेंट ये करो, फिर आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता बच्चे लोग। मैं क्या बोल रहा हूँ, 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटेड क्वेश्चन है, ये करो जो रिड्यूस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, ओके। और इसी के साथ मैं यहाँ अपना वीडियो सेशन एंड करता हूँ और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। चलो, और फ्लाइंग विद द विंग्स ऑफ सक्सेस लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा, रुको बच्चे लोग मैं बता देता हूँ, ये बोलना चाहूंगा लास्ट में ये मैं बोलना चाहूंगा बच्चे लोग, ये फ्लाइंग विद द विंग्स ऑफ सक्सेस हम लोग सक्सेस की उड़ान भरेंगे। अभी मिलते हैं नेक्स्ट पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ओके। यहाँ हम करते हैं वीडियो एंड, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर्स, मास्क पहनो और हाथ को सैनिटाइज अच्छे से करो और अच्छे से पेपर दो, अपने हेल्थ का भी ध्यान दो अच्छे से, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड योर फ्यूचर प्लान।